हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आप 4 से लेके 5 साल के बच्चे का फ्रॉक सूट बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके उसकी टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रॉक की टोटल लेंथ 22 इंचेस रखी है। अपर पार्ट की लेंथ 9 इंच है और उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। और लोअर पार्ट जहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे उसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है, 2 इंच उसमें मार्जिन के लिए रखा है। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 10 इंचेस है और विड्थ उसकी 7 इंचेस है। बच्चे का सारा मेजरमेंट आप वैसे ही लें जैसे हम अपना मेजरमेंट लेते हैं। उसमें सबसे पहले तीरा मैंने 5 इंच का रखा है और आर्म होल भी 5 इंच की रखी है। नेक की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है। नेक की विड्थ आप कम ही ली रखें क्योंकि बच्चे का जो गला होता है वो इधर उधर फैल जाता है कई बार। उसके बाद मैंने चेस्ट और वेस्ट का निशान लगा दिया है आर्म होल की गोलाई देके। मार्जिन रख के उसकी कटिंग कर देनी है। तो आप चेस्ट और वेस्ट में भी थोड़ा थोड़ी लूजिंग रख लें। उसके बाद मैंने फ्रंट पैनल को अलग करके वहाँ पे आर्म होल की हल्की सी गोलाई दी है, ज़्यादा नहीं देनी है, हल्की सी गोलाई देनी है। उसके बाद मैंने लोअर पार्ट जहाँ पे प्लीट्स डालनी है उसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। रेडी लेंथ 13 इंच है, 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है जो हमारा नीचे से फोल्डिंग में और ऊपर से सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। विड्थ उसकी 30 इंच रखी है। स्लीव्स की कटिंग करेंगे जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपने बच्चे की एल्बो लेंथ मेजर कर लेनी है और साइड में आपने आर्म होल की शेप बनानी है। तो उसकी लेंथ हम 1.5 से लेके 1.75 इंच तक रख देंगे और आर्म होल की शेप बना के उसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से आपने एल्बो का राउंड में मेजरमेंट लेना है और वहाँ आप लूजिंग देके ऐसे कटिंग कर दीजिए। नीचे आपने जो प्लेट्स डालने के लिए कपड़ा लेना है वो ऊपर वाले कपड़े से ज़्यादा लेना है विड्थ में। इसके बाद पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने पैच की डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने 8x10 का पीस लिया है और कपड़े को उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने 1-1 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगाए हैं और बॉक्सेस बना लिए हैं जिसके ऊपर मैं ऐसे गोटा लेस स्टिच कर दूंगी। और ये मेरा पैच बन के रेडी है जिसे मैं डबल फोल्ड करके इसकी साइड से शेप बना दूंगी। आप इसे चाहें तो राउंड शेप भी बना सकते हैं, मैंने ग्लास शेप बना दी है। उसके बाद नेक की विड्थ और लेंथ का निशान लगा के मैंने यहाँ पे इसकी राउंड शेप बनाई है। और टॉप पार्ट के बैक साइड पे मैंने इसे रखते हुए स्टिच करके आगे को टर्न कर लिया है। तो आपने ऐसे यहाँ पे स्टिच कर देना है और इसे फ्रंट वाली साइड टर्न कर देना है। और साइड में मैंने दोनों साइड में ऐसे लेस लगा दी है। उसके बाद नीचे वाले लोअर पार्ट में मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। प्लेट्स की डायरेक्शन मैंने अंदर वाली तरफ रखी है। पहले मैंने एक साइड से स्टार्ट की थी और अभी दूसरी साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। बैक पैनल के नेक की कटिंग करेंगे। अगेन मैंने राउंड नेक की कटिंग की है। मैंने नीचे से 2.5 इंच का निशान लगा के सेंटर में से कट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक का पीस अटैच कर दूँगी जिसे आपने सबसे पहले साइड में फिनिशिंग कर देनी है। और उसे सीधी साइड रखते हुए कपड़े को घुमा के जहाँ पे आपको नेक की कटिंग नज़र आ रही है उधर वाली साइड से आप इजीली इसकी स्टिचिंग कर दें। फिर मैंने 2 इंच का इलास्टिक ऐसे पीस लिया है और जैसे हम डोरी वाली लूप बनाते हैं तो वैसे बना के आपने अंदर वाली तरफ रख के यहाँ पे
नेक की सारी सिलाई कर देनी है। तो मैंने डोरी का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ करके स्टिचिंग कर दी है। तो आपने पहले राउंड नेक से ऐसे आते हुए रुक जाना है और उसकी साइड घुमा के फिर आपने साइड को जो कट लगाया था उसके साइड्स पे ऐसे दो दो पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे स्टिचिंग कर देनी है। तो साइड में आप एक बटन लगा दें। उसके बाद मैंने दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग करनी है। आप सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले फ्रंट पैनल की दोनों पैनल्स की स्टिचिंग कर दें और बाद में बैक पैनल की। उसके बाद मैंने स्लीव्स की भी सेम ऐसी ही लुक बनाई है। तो साइड से जो मार्जिन होगा वो कट करके आप ऐसे स्टिचिंग कर दें। उसके बाद स्लीव्स को मैंने शर्ट के शोल्डर्स अटैच करके पहले एक तरफ से सिलाई लगा दी है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, फिर दूसरी तरफ। और उसके बाद इसके मेजरमेंट्स के ऊपर मैंने आर्म से स्लीव से लेते हुए सारी नीचे डाउन स्टिचिंग कर दी है और घेरे को आप डबल फोल्ड कर दीजिए। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ फ्रॉक सूट विद प्लाजो। प्लाजो की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।